स्किन केयर की शुरुआत में करना चाहूंगी डेफिनेटली लेकर नाम एक ऐसे पौधे का जो कि सदियों से विमेन को बहुत पसंद आया है अक्रॉस द ग्लोब, और ये बेहद पसंदीदा रहा है, बेहद इनवैल्यूबल रहा है हर तरह की स्किन केयर में, हर तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और कॉस्मेटिक्स में भी, और वो है नन अदर देन द वेरी ब्यूटिफुल एंड द एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्वीट स्मेलिंग रोज, यानी कि गुलाब। गुलाब की पत्तियों से ही एक्सट्रैक्ट होता है रोज एसेंशियल ऑयल, चाहे वो रोज ऑटो हो या रोज एब्सोल्यूट वर्जन हो, इट्स अ वेरी प्रेशियस ऑयल टू हैव। बहुत स्किल्ड तरीके से ये एक्सट्रैक्ट होता है और काफी बार नॉट सरप्राइजिंगली बहुत महंगा भी होता है। इनफैक्ट जो इंडिया में हमेशा से हम सुनते आए हैं गुलाब जल या रोज वाटर, वो भी काफी बार रोज एसेंशियल ऑयल के डिस्टिलेशन का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है। सो इन एवरी वे दिस इज अ वेरी स्पेशल ऑयल टू हैव। अरोमा थेरेपी में ये बहुत स्पेशल जगह रखता है, स्पेशली स्किन केयर में और बाकी और बहुत विमेन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। तो स्किन केयर के टर्म्स में ये बहुत ही एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है, इसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सो इट्स ग्रेट फॉर इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस। समर्स में यूज करने के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि बहुत सूदिंग, बहुत कूलिंग होता है, बहुत ठंडक पहुंचाता है। साथ ही दिस इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर ड्राई स्किन, इट्स एक्सलेंट फॉर ड्राई स्किन। बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है, बहुत सूदिंग होता है, और सिर्फ मॉइस्चराइजिंग ही नहीं, ये ओवरऑल एक बहुत बढ़िया स्किन टॉनिक होता है, और साथ ही में इसके जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत अच्छी होती हैं। सो इट्स अ ग्रेट ऑयल टू हैव, प्लस ये बहुत स्किन रीजेनरेटिव भी होता है। तो हर तरह से दिस इज अ वंडरफुली प्रेशियस ऑयल टू हैव इफ यू कैन अफोर्ड टू गेट वन। और कॉस्मेटिक्स में ये ऑफन सिंथेटिक वर्जन में यूज होता है, स्पेशली चीप कॉस्मेटिक्स में, लेकिन जब हम प्योर एसेंशियल ऑयल घर पे यूज करते हैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, तो फिर देर इज नथिंग प्योरर देन दैट, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल ऑयल टू हैव। एक थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसको इस्तेमाल करने में कि ये बहुत ही इंटेंस और एक्सट्रीमली स्ट्रांग फ्लोरल है, तो ऐसे ऑयल्स को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ध्यान से, बहुत थोड़ा सा, एक ही बूंद काफी है अगर आप अपनी किसी क्रीम में मिला रहे हैं या ब्लेंड में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सरदर्द कर सकता है बहुत ज्यादा यूज पे, और स्किन सेंसिटाइजेशन भी कर सकता है ज्यादा इस्तेमाल करने पर। बस इतना सा ध्यान रखना होता है, एंड हर तरह से इट्स अ वंडरफुल ए प्लस ऑयल टू हैव फॉर स्किन केयर। पामरोसा यानी कि सिम्बोपोगन मार्टिनी, अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एसेंशियल ऑयल है हर तरह की स्किन केयर के लिए, और इनफैक्ट इसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज जो हैं वो रोज से मिलती हैं। ये एक पर्टिकुलर ग्रास से एक्सट्रैक्ट होता है, और ये भी रोज की तरह ही बहुत सूदिंग होता है, कूलिंग होता है, इसलिए समर्स में यूज़ करने के लिए बहुत एक्सेलेंट है। ड्राई स्किन के लिए बहुत एक्सेलेंट है क्योंकि बहुत मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ होती हैं, और साथ ही ये जो सिर्फ फिजिकली सूदिंग नहीं होता बल्कि मेंटली और इमोशनली भी एक बहुत सूदिंग ऑयल है अपने आसपास होने के लिए, यूज़ करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बहुत स्किन जो है रीजेनरेटिव होता है, किसी भी तरह की जो इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस होती हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, और साथ ही दिस इज अ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट। कोई भी स्किन की जो बहुत इरिटेटिंग कंडीशंस होती हैं जैसे कि एक्जीमा हो या फिर डर्माटाइटिस हो या फिर सोराइसिस हो, तो इसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल एक ऑयल है टू यूज़। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो अरोमा है वो भी रोज से काफ़ी मिलती है, और अच्छी बात यह है कि ये रोज जितना महंगा नहीं होता, तो अगर आप रोज इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पामरोसा इज डेफिनेटली अ गुड ऑयल टू हैव एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रोज। अगर रोज भी है तो इन दोनों को साथ में मिलाकर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन केयर ब्लेंड बनाया जा सकता है। जुरेनियम, ये एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जिसका नाम मैं आजकल काफी बार अपने वीडियोस में लेती हूँ क्योंकि पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट भी है। इट हैज अ ब्यूटीफुल अरोमा, और इनफैक्ट इसके काफी सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो रोज से मिलते हैं, तो ये भी बहुत सूदिंग होता है, बहुत कूलिंग होता है, बहुत ही जेंटल होता है इमोशनली भी। इसके अलावा जो है ये बहुत एंटी माइक्रोबियल भी होता है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है टू हैव फॉर अ लॉट ऑफ स्किन कंडीशंस। ये सिर्फ स्किन कंडीशंस जो बहुत सारी हैं उनको हील करने में ही मदद नहीं करता बल्कि प्रिवेंटिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको भी बहुत बैलेंस करता है, स्किन में एक्सेसिव ऑयलीनेस हो या एक्सेसिव ड्राइनेस, तो ऐसी कंडीशंस को भी ये मैनेज करने में बहुत अच्छा ऑयल है, और इसको भी रोज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग से भी इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी तरह की स्किन केयर के लिए। एक फूल ऐसा है जो कि गुलाब की तरह ही सदियों से बेहद मन लुभाते आया है सबका, स्पेशली विमेन का, क्योंकि ना सिर्फ जो इसकी सुगंध है वो बेहद खूबसूरत होती है लेकिन इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन के लिए भी और बहुत सारी और विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी वो बहुत वेल नोन है। इनफैक्ट आयुर्वेदा में इसे काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है स्किन रीजेनरेटिव पर्पसेज के लिए, और ये है द वेरी ब्यूटिफुल जैस्मीन, जैस्मिनम ग्रैंडिलोफ्लोरम। इसने आयुर्वेदा में अपनी बहुत स्पेशल जगह बना ली है आज, और ये स्किन केयर के लिए एक बहुत ही प्रेशियस ऑयल है, ना सिर्फ
ड्राई स्किन के लिए क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है, बल्कि किसी भी तरह की बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए ये बहुत एक्सीलेंट है. जो मैच्योर स्किन है या एजिंग स्किन है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है. रिंकल्स को कम करने के लिए बहुत बढ़िया है, एक्ने के लिए बहुत बढ़िया है, और साथ ही ये बहुत बढ़िया है किसी भी तरह की सन डैमेज के अगेंस्ट स्किन को ना सिर्फ हील करने के लिए बल्कि ऑल्सो एज अ प्रिवेंटिव अगेंस्ट सन डैमेज. और बहुत ही सूदिंग ऑयल भी ये होता है. और साथ ही ये जो है इसको जो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है वो रोज़ की तरह ही बहुत ही स्किलफुल होता है, बहुत मेहनत का काम होता है. बहुत कम समय के लिए प्रोड्यूस करते हैं जैस्मीन के फूल अपना एसेंशियल ऑयल सिर्फ अर्ली मॉर्निंग जब पूरा सवेरा नहीं हुआ होता, तो ये भी इस कारण ये बहुत प्रेशियस ऑयल भी है और काफ़ी महंगा भी होता है. लेकिन अगर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वैल्यूएबल ऑयल टू हैव. एक और बात का जो इसके साथ भी ध्यान रखना होता है वो ये है, क्योंकि ये भी बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग फ्लोरल है, बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंस सुगंध होती है, तो इसको बहुत कम इस्तेमाल करना होता है. ये भी एक बारी में एक बूंद ही इस्तेमाल करना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो. लैवेंडर, ये शायद इतना ज़्यादा पॉपुलरली यूज ऑयल है, सबसे ज़्यादा, कि अगर मैं इसको आज अपने स्किन केयर वीडियो में मेंशन नहीं करूँगी तो मेरा वीडियो शायद अधूरा होगा. सो हियर कम्स लैवेंडर. ये बहुत ही स्किन हीलिंग ऑयल है अनडाउटेडली, और ये बहुत एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है. और जैसे अगर आपने मेरा एक्ने वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि टी ट्री के साथ मिलाकर यूज़ करने पर ये बहुत ज़्यादा और पावरफुल हो जाती हैं इनकी हीलिंग क्वालिटी साथ में मिलकर. दिस इज ऑल्सो ग्रेट टू यूज़ फॉर इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन. अगर स्किन इरीटेटेड हो, बहुत इची हो, रैशेज हो, या स्किन पे बर्न्स हो, स्वेलिंग हो, या एडिमा कम करना हो, ये सब के लिए बहुत ही बढ़िया होता है. सो इट्स ग्रेट ऑयल टू हैव. और इसकी जो अरोमा है वो भी बहुत लोगों को बेहद पसंद होती है. तो हर तरह से ये बहुत ही एक अच्छा ऑयल है डेफिनेटली स्किन केयर के लिए. फ्रैंकिंसेंस हर तरह से एक बहुत ही जेंटल और बहुत ही सूदिंग ऑयल होता है, ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारे वातावरण के लिए भी, क्योंकि एक बहुत शांति का, बहुत मेडिटेटिव माहौल क्रिएट करता है. हमारे अंदर शांति की एक फीलिंग लाता है, एक क्वाइटनेस की फीलिंग लाता है. ये एक पेड़ की जो तने में गोंद होती है उससे निकलता है, और ये स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत हीलिंग होता है. ये बहुत एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, इसलिए ऑब्वियसली बहुत सारी स्किन कंडीशंस के लिए बहुत हीलिंग होता है. इसके साथ ही बहुत साइकैट्रिजेंट होता है, यानी कि सेल और टिश्यू हीलिंग, तो उससे भी हमारी स्किन की बहुत सारी कंडीशंस में बहुत फ़ायदा होता है. बस थोड़ा सा इसके साथ ध्यान रखना होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, तो अगर पुराना हो गया है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो फिर इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिर ये स्किन पर इरिटेशन कर सकता है. तो इतना सा अगर आप ध्यान रखें तो आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन एवरी अदर वे बहुत ही जेंटल और बहुत ब्यूटीफुल ऑयल है स्किन केयर के लिए. अरोमाथेरेपी में बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि स्किन केयर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई हम लिमिटेड सी छोटी सी लिस्ट बनाए वो भी पूरी नहीं होगी बिना नाम लिए सैंडलवुड का, सैंटलम एल्बम. इनफैक्ट इंडिया में कौन नहीं जानता है सैंडल की लकड़ी के बारे में. बहुत ही प्रेशियस पेड़ की बहुत प्रेशियस लकड़ी होती है ये, और इसी से निकलता है सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल. ये बहुत ही ज़्यादा एक स्किन केयरिंग ऑयल होता है, और इनफैक्ट ओवरऑल स्किन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी एलर्जिक होता है, और स्किन की बहुत सारी जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जैसे एक्ने, एक्जीमा, डर्माटाइटिस, उसके लिए बहुत हीलिंग होता है. इसके साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो वेरी एंटी फंगल, और स्पेशली अगर हमारे किसी ब्लेंड में मिलाते हैं ऐसे जिसमें और एंटी फंगल ऑयल्स हैं तो उसमें ये और पावर बढ़ा देता है. और अगर ऐसा भी कोई ब्लेंड है जिसमें बाकी के ऑयल्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्किन के लिए, तो उस ब्लेंड को भी ये बैलेंस करता है. मुँह के आसपास अगर कोल्ड सोर्स हो जाए उसके लिए बहुत बढ़िया होता है. साथ ही दिस इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग टू हैव, और ट्रेडिशनली एक बहुत कूलिंग ऑयल है, गर्मियों में बहुत फ़ायदा करता है, और ठंडक देने के लिए ये बहुत ही एक सुंदर ऑयल है, ट्रेडिशनली यूज़ होता आया है. इस ऑयल को खरीदने से पहले एक थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो ये है कि ये इतना प्रेशियस है इसलिए काफ़ी बार मिलावट होती है इसमें, अडल्ट्रेटेड बहुत फ्रीक्वेंटली होता है. तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ऑयल सैंडलवुड का ख़रीद रहे हैं वो बिल्कुल प्योर सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल ही होना चाहिए. अपने स्किन केयर के वीडियो के आखिर में जो एसेंशियल ऑयल मैं डिस्कस करना चाहूँगी उसे काफ़ी बार अरोमा थेरेपी में एक बहुत ही ज़्यादा एक्जॉटिक एसेंशियल ऑयल माना जाता है. शायद इसलिए क्योंकि इसकी जो अरोमा होती है बहुत ही इंटेंस होती है. ये है यिलांग यिलांग. ये बहुत ही स्ट्रांगली फ्लोरल ऑयल होता है, और ये बहुत कूलिंग होता है, बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलरली इस्तेमाल होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और परफ्यूमरी में. ये बहुत बार इस्तेमाल होता है कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके स्किन हीलिंग पर्पसेस के लिए. जहाँ तक ब्लेंडिंग का सवाल है, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है रोज़, जैस्मीन और सैंडलवुड जैसे ऑयल्स के साथ इकट्ठे मिलकर. ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो इस तरह से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन जैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोरल ऑयल्स के बारे में बोलती हूँ कि उन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए, सेम ऑल्सो अप्लाइज टू यिलांग यिलांग. एक बार में इसे एक बूंद से ज़्यादा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें.
इसके साथ मैं मेंशन करना चाहती हूँ एक आखिर में ऐसे एसेंशियल ऑयल का जिसे गोल्ड माना जाता है, स्किन के लिए मैजिक माना जाता है। इसका सिर्फ नाम लूँगी, मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसे अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था अच्छे से अपने एक्ने हीलिंग वीडियो में, और ये है द गॉर्जियस हेलिक्रिशम। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा आप एक्ने हीलिंग वीडियो चेक कर सकते हैं। तो वेल, दीज वर सम ब्यूटिफुल एंड वेरी वर्सटाइल एसेंशियल ऑयल्स आपकी स्किन की जनरल हेल्थ के लिए, स्किन की बहुत सारी कंडीशन सूथ करने के लिए और ओवरऑल स्किन की केयर करने के लिए। हो सकता है इसमें से कुछ एसेंशियल ऑयल्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हों, कुछ एसेंशियल ऑयल्स आप ने सुना हो और कुछ आपने आज नए जिनके बारे में आपको पता चला हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं प्योर एसेंशियल ऑयल्स स्किन केयर में, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, क्योंकि जितने भी महंगे से महंगे कॉस्मेटिक्स भी हम यूज़ कर लें उसमें भी कुछ ना कुछ सिंथेटिक होता ही है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे बाकी सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो आपका स्किन केयर रूटीन है, आपकी स्किन केयर है, वो और ज़्यादा फ्रेश और प्योर और नेचुरल होती जाएगी, मैं आज आपसे लेती हूँ विदा। हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में डेफिनेटली। टिल देन टेक केयर एंड कीप यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स करेक्टली एंड विद लव एंड अ लॉट ऑफ केयर। Bye for now.